गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि वसुंधरा राजे से पंगा लेना इतना भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। विधानसभा चुनाव 2018 में जब संपन्न हुए थे, उससे पहले ही कयास यही लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री का दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे और कहीं ना कहीं मोदी के टॉप 5 मंत्रियों के अंदर भी थे, परंतु मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रहते ये संभव नहीं था। हालांकि 2018 के चुनाव में बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई, परंतु जब से लेके अब तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत वापसी करेंगे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी वही होंगे। परंतु जिस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उससे साफ दिख रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को भले ही केंद्र आगे कर रही हो, लेकिन उनकी इच्छा राजस्थान में आने की कम ही लग रही है। वहीं वसुंधरा राजे भी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वापस बन गई हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए परेशानी की बात यह है कि वह किस तरीके से राजस्थान के अंदर अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा जाता है कि वे छात्र राजनीति से आए हैं, पर उनका दबदबा इतना नहीं है। उन्होंने बिजनेस किया है, फॉरेन में उनके काफ़ी बिजनेस हैं, और सीधे सांसद बनने के बाद में उन्होंने कभी भी राज्य में अन्य जिलों में कभी भी इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली है, बल्कि कहा जाए तो वह कुछ जगह तो कभी गए भी नहीं हैं। वे जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक ही अटके रहते हैं। उनके जोधपुर जाने का कार्यक्रम होता है तो वह जोधपुर पहुंच जाते हैं, इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जैसलमेर तक का वो रुख अपनाते हैं, क्योंकि वह जोधपुर संभाग के अंदर आता है। इसके अलावा बीकानेर, धौलपुर जैसी जगह पर कभी वह गए भी नहीं हैं। गए भी हैं, पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से वह इतने मिलजुल नहीं सके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दबदबा हर जगह रहता है। खुद धौलपुर राजघराने से भी ताल्लुक़ रखती हैं वसुंधरा राजे, ग्वालियर राजघराने से तो वो है ही। साथ ही साथ झालावाड़ से वह सांसद रही हैं और वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं झालावाड़ से। तो वहीं वसुंधरा राजे जिस तरीके से काम करती है वह सबको दिखता है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि जमीनी नेता के तौर पर उनको नहीं जाना जाता है, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए काफ़ी कठिन होगा राजस्थान के अंदर आकर अपने आप को मजबूत करना। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकवार्ता।